अज़म एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय चॉपर का रिव्यू। तो अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो जल्दी से वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो ये इस टाइप की सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसमें आपको जो कैपेसिटी है वो 675 ml की मिल रही है। रियली रियली नाइस पैकेजिंग। और ये स्टाइल के ब्राउन कार्डबोर्ड पैकेजिंग हार्ड कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और ये पूरा बबल रैप था। मुझे पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा रेडी पसंद आई और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे पूरा ये बबल रैप रिसीव हुआ था। मैंने एक्चुअली ओपन कर दिया था पहले ही, तो सारी बबल रैप मैंने फेंक दी, बट ये पूरा आपको अच्छे से बबल रैप में रिसीव हुआ था, विच इज़ ग्रेट। आपको पैकेजिंग काफ़ी सही मिल रही है और इस टाइप की सिंपल बहुत प्यारा कलर है, रियली रियली लव द कलर। और आपको ये ग्रे कलर में भी अवेलेबल था, तो अगर आप चेक करना चाहो ग्रे कलर में तो आप वो भी देख सकते हो। और जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तब इसका प्राइस 169 rupees था, तब ये स्पेशल प्राइस पे था। और इसकी कैपेसिटी 675 ml, इसकी जार की कैपेसिटी 675 ml या कंटेनर की। तो इसमें सबसे पहले आपको इस टाइप के ये टॉप पोर्शन मिला जिसमें आपको 3 blades दिए गए हैं। ये ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, तो जब आप क्लीन करो इसे देन मेक श्योर आप बहुत आराम से करो, बिकॉज आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको इस टाइप की एक स्ट्रिंग दी गई है जिससे आप खींचोगे तो ये ब्लेड रोटेट करेंगे, जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो चॉक होगा। तो अभी मैं आपको वीडियो में अच्छे से आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो इसकी ये कंटेनर कुछ इस टाइप का है। इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी का प्लास्टिक, बहुत अच्छा क्वालिटी है प्लास्टिक का। और इस टाइप के नीचे इस टाइप के लाइक स्मॉल कुशनी पैड्स ही दिए जिससे ये अगर आप किसी भी सरफेस पे प्लेस करोगे तो ये स्लिप नहीं करेगा, विच इज़ ग्रेट। और ये अनब्रेकेबल है। आई डोंट नो कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये अनब्रेकेबल है, बट ये मेड इन इंडिया है, तो अगर आप वोकल फॉर लोकल पे बिलीव करते हो देन आप परचेस कर सकते हो। मेड इन इंडिया फॉर श्योर, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। तो अब मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाती हूँ। इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, जस्ट आपको इस स्ट्रिंग को खींचना है और वो ब्लेड रोटेट होंगे और आपको जस्ट लाइक ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हो सकता है, बहुत आराम से करना। और अब जल्दी से कुछ टोमेटोज को चॉप करके देखते हैं। मैंने एक लास्ट साइज का टोमेटो लिया है और उसे मैंने 4 portion में कट कर लिया है, 4 equal portion में। अभी मैंने सिर्फ 3 portion ऐड किए हैं इसमें और इसे ईजिली आप शेक कर लिए और इसे स्ट्रिंग की हेल्प से रोटेट करिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे रोटेट हो रहा है। और डोंट यूज़ लाइक बड़े बड़े प्रोडक्ट मीन्स बड़े साइज के टोमेटोज और समथिंग, आपको उसे कट करके यूज़ करना है। दैट्स दैट रिक्वायर, आप बड़े साइज की चीज़ें यूज़ कर लोगे तो अच्छे से जो है वो चॉप नहीं होगा। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तब मैं जब मैंने पहली बार से ट्राई किया था तब रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं मिला था। एज यू कैन सी कि सारे टोमेटोज सही से बिल्कुल चॉप नहीं हुए हैं, सब बड़े साइज के दिख रहे होंगे आपको, कितने सही से नहीं चॉप हुई। मुझे पर्सनली पहला ट्राई बिल्कुल नहीं पसंद आया था, बट मैंने फिर डिसाइड किया इसे दूसरा एक अटेम्प्ट करने के लिए, मैंने इसे दूसरा ट्राई दिया। और जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया, दूसरा ट्राई किया, तो एज यू कैन सी जो भी पेस्ट मेरे को मिला था उसे मैंने फिर से इसमें चॉपर में डाला, मैंने फिर से ट्राई किया। तो जब मैंने ये किया तो इसमें प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था और प्लेट्स पे भी टोमेटो फंस नहीं रहे थे जो पहली बार में हो रहा था। तो इसमें ये कैच यही है कि आपको स्मॉल साइज के टोमेटोज को कट करना है। लाइक आपका अगर बिगर साइज का एक टोमेटो है तो आपको 4 portion में से ज़्यादा आपको 1 portion में छोटे छोटे पोर्शन में कट करके इसमें रिमूव करना है। मैंने इसे मेनली परचेज किया था अनियन कट करने के लिए, बिकॉज एज यू ऑल नो कि अनियन कट करना इज जस्ट लाइक अ टॉर्चर। तो एज यू कैन सी के इस टाइम रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पहली बार में से, तो मुझे दूसरी टाइम में अटेम्प्ट में काफ़ी सही लगा। पहली टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी प्रोडक्ट से, बट अब मुझे काफ़ी पसंद आया बिकॉज ने अच्छे से फाइनली चॉप कर दिया है। जी टाइप कैन सी मुझे पसंद आया। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी सही लगा। इज जस्ट दैट कि आपको सारे प्रोडक्ट को स्मॉल पीसेस में चॉप करना है, बड़े साइज